नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। हाथरस हादसे के चार दिन बीत गए हैं, 121 मौत, और चार दिन बीत जाने के बाद पाखंडी बाबा खुद तो सामने नहीं आया, लेकिन उसका बयान सामने आया। दो मिनट के बयान में हर शब्द फरेब और झूठ से भरा हुआ, यानी बाबा ने अपने बयान में जो कहा और उसने जो किया दोनों आपस में मेल नहीं खाते हैं। इसी से समझा जा सकता है कि स्वयंभू बाबा कितना बड़ा फरेबी है। बाबा तो सामने आया, लेकिन बयान पर झूठ का साया। बाबा की कथनी करनी में फर्क क्यों? वो मुर्दे में जान फूंकने का दावा करता है, लेकिन लाशों का अंबार लगाकर वो भाग जाता है। मौत, मातम और दर्द के चार दिन बीत जाने के बाद बाबा सामने आया तो सबके लिए झूठ का पुलिंदा लेकर आया। ऐसा झूठ जिसमें उसकी कथनी करनी में फर्क साफ दिखाई दे रहा है। पहले पाखंडी बाबा का बयान सुनिए, फिर उसके झूठ को बेनकाब करते हैं। पाखंडी बाबा कहता है कि मैं 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत व्यथित हूं, लेकिन अगर वो सच कह रहा है तो दर्द बांटने के बजाय बाबा फरार क्यों है? हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। बाबा कहता है कि प्रभु हमें इस दुख की घड़ी से लड़ने की शक्ति दे। वो खुद को भी कभी भगवान कहता था, लेकिन अब सवाल उठता है कि घड़ियाली आंसू बहाने के बजाय हादसे को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। बाबा का सबसे बड़ा झूठ तो तब पकड़ा गया जब उसने कहा सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा बनाए रखे, लेकिन सवाल ये है कि वो खुद पुलिस से अब तक क्यों भाग रहा है? सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। बाबा के बयानों और उसके इरादों का फर्क हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। बयान से साफ है कि उसके अंदर का चोर पुलिस के सामने आने से रोक रहा है। हालांकि स्वयंभू बाबा के वकील एपी सिंह का दावा कुछ और ही है। साकार हरी किसी FIR में नामजद है क्या? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। वांटेड है क्या? नहीं। कोई उनसे किसी को पूछताछ करनी है क्या? बिल्कुल, पुलिस को तो बिल्कुल करनी होगी। आप तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। लेकिन जब पुलिस लगातार उनके देखिए पुलिस उनके जो उनका घर है उसके बाहर है। सवाल घर कहीं नहीं है, खड़ा तो उनका घर कहीं नहीं, उनका घर कहीं नहीं है, उनके आश्रम होते हैं और वो आश्रम उनके नहीं होते हैं। अगर कोई भी आश्रम इस देश में नारायण साकार हरि के खुद के नाम है तो मैं आपको उनके एडवोकेट होने के नाते डॉक्टर एपी सिंह घोषणा कर रहा है कि वो आश्रम News18 को हम डोनेट करते हैं, आप उनके देश हित के लिए काम। बाबा के बयानों में शुरू से आखिरी तक झूठ ही झूठ भरा नजर आता है। करीब 2 मिनट के बयान में बाबा का हर शब्द झूठ में डूबा हुआ था, ऐसा झूठ जिसे पचा पाना आसान नहीं। बाबा ने अपने बयान में कहा कि हमें विश्वास है कि उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि सबसे बड़ा विलन जनता उसे ही मान रही है, फिर चार दिन से पुलिस के सामने क्यों नहीं आया बाबा? हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। बाबा ने अपने बयान में पीड़ितों के साथ जीवन भर खड़े रहने का आग्रह किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि पाखंडी बाबा पीड़ितों से मिला तक नहीं, फिर भला वो जीवन भर साथ खड़ा रहने का दावा कैसे कर सकता है? दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको
छवि ने माना भी है। बाबा की कहानी में गजब का झोल है। वो बाबा जो उपद्रवियों को ही बख्शे जाने का दावा कर रहा है, हादसे के बाद कुछ इस तरह भाग रहा था। हालांकि बाबा के वकील एपी सिंह दावा कर रहे हैं कि बाबा कहीं छिपे नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि बाबा सामने भी तो नहीं आ रहा। बाबा का इतने दिन बाद आना सामने, ये थोड़ा हजम नहीं हुआ? किले की तरह उसमें रहे लोगों ने तो कल ही तो कहा था आपने कि न्यूज 18 ने कहा था कि लेटर से नहीं बल्कि सामने आना चाहिए। हाँ। मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी, अगले दिन पूरी कर दी। आपने कहा मधुकर फरार, हमने कहा नहीं, मधुकर हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है, हार्ट, और मैंने एंटीसिपेटरी बेल नहीं किया, सरेंडर नहीं लगाया। कौन लोग थे जिन्होंने हमारे लोगों को लाश बना दिया और हमें जिंदा लाश बना दिया? हम जिंदा हैं, सेवादार जिंदा है, लेकिन जिंदा लाश बने हुए हैं, क्योंकि 121 लाशें मरती हुई देखी हैं, सैकड़ों लोगों को इंजर्ड होते हुए देखा है, अपने घर को खुद बर्बाद होते हुए देखा है, हमारा खुद अपना घर बर्बाद हो गया है। बाबा पर्दे के पीछे से एपी सिंह के जरिए खेल रहा है, जबकि उसके मोहरे एक एक कर सामने आने लगे हैं। पुलिस की फाइलों में जिसे मौतों का जिम्मेदार बताया गया, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित था, अब वो मधुकर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। यूपी एसटीएफ ने उसे अरेस्ट किया तो उम्मीद जाग उठी कि अब कई राज खुलने वाले हैं। मुख्य आयोजक मधुकर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ में जुटी हुई है, यानी बाबा का राइट हैंड अब हर राज उगलेगा। 121 मौतों की कहानी कैसे लिखी गई, इसके भी जवाब मधुकर को देने होंगे। कहां से भीड़ आई, क्यों पुलिस को रोका गया और भगदड़ के बाद बाबा कहां फरार होकर निकला, इन सब के जवाब मधुकर से मिलने की उम्मीद है। बाबा अपने किसी आलिशान आश्रम में छिपा है, कानपुर, लखीमपुर, नोएडा, संभल या और कहीं। अब तक की रिपोर्ट दावा करती है कि वो मैनपुरी के आश्रम में ही छिपा है, क्योंकि उसका बयान भी मैनपुरी के ही किसी ठिकाने से सामने आया है। बहरहाल एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है, लेकिन बाबा अब तक जांच के दायरे से दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।